अखिलानवलोकयामि कालान् महिलाधीनभुजान्तरस्य यूनहाम् अभिलाषपदं व्रजाङ्गनानाम् अभिलाहवक्रमदूरमाभिरूप्यम्। अखिलान अवलोकयामि, अखिलान कालान अवलोकयामि, सदा के लिए मैं उस भगवान का अवलोकन करता रहता हूँ। ऐसा क्यों? कि वो खुद मैं पहले से हम बताते आ रहे हैं, कृष्ण यानी कर्षती थी कृष्ण आकर्षती थी कृष्ण। क्यों भगवान श्री कृष्ण को आप पसंद करते हैं, ऐसा अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा होगा। क्योंकि कृष्ण यानी सबको अट्रैक्टिव, सबको पसंद है, सबको पसंद है यानी मतमतांतरस्त वालों को भी पसंद है। भले दोष निकाल के कुछ ना कुछ बोलेंगे, बोलते रहेंगे, परंतु अंदर से देखा जाए तो सब लोगों को पसंद है। रसखान करके कवि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लगे हुए थे, उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे हैं भगवान श्री कृष्ण के गाने में। उन्होंने ग्रंथ लिखा है रसखान, जिसका नाम बहुत प्रसिद्ध है दुनिया। और ऐसा सब लोगों को पसंद है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए अखिलान कालान अवलोकयामि। कैसे भगवान को वो बता रहे हैं, महिलाधीन भुजांतरस्य यूनः, महिलाधीन भुजांतरः, जिसका भुजांतर, जिसका वक्षस्थल महिला का अधीन है, यानी लक्ष्मी जी का अधीन है। लक्ष्मी जी एक ही के लिए अधीन है, उनका वक्षस्थल वहां ही वास करती है, सदा के लिए भगवान के हृदयारविंद में वास करती है। वक्षस्थल में जिसका निवास है वो श्री कौस्तुभम, कौस्तुभ के साथ, अर्थात एक दूसरे वेंकटाद्रि कवि कहते हैं, समुद्र में से दो चीज ऐसे निकली, एक कठिन था एक सुकुमार था। कठिन और सुकुमार दो रत्न आए, एक कठिन रत्न आया तो कौस्तुभ था, एक सुकुमार रत्न आया तो लक्ष्मी जी हैं। दोनों वक्षस्थल में ही स्थान पाए, यानी कितना सुंदर अवलोकन है। देखिए उनका ध्यान बराबर गया है। द्विधा रत्नम प्रादुर्भूत, कठिनम सुकुमारम च रत्नम प्रादुर्भूत द्विधा, ऐसा कहते हैं। दो प्रकार के रत्न, कौस्तुभ भी वहां ही विराजमान है और लक्ष्मी जी भी वहां ही विराजमान है। दोनों समुद्र से ही निकले हैं, समुद्र जैसा विशाल वक्षस्थल है तो वो एक ही वासस्थान हो सकता है लक्ष्मी जी के लिए, और कोई स्थल वासस्थान नहीं है। क्योंकि वो क्षीराब्दी से निकली, क्षीराब्दी से निकले हुए तत्वों को क्षीराब्दी जैसा एक स्थान चाहिए तो विशाल वक्षस्थल चाहिए, इसलिए विशाल वक्षस्थल भगवान के लिए है, इसलिए वहां नित्यवास कर रही है लक्ष्मी जी। और महिलाधीन भुजांतर, जिसका भुजांतर, भुजांतर में वक्षस्थल है, दोनों भुजों के बीच में रहने वाला, एक दोनों भुजा के बीच में रहने वाला स्थल को भुजांतर शब्द से कहते हैं, भुज के अंतर बीच में रहने, मध्य स्थान, वहां विराजमान एक महिला है जिसके अधीन ही है वो वक्षस्थल है। गोपस्त्रियां भी कहते हैं भ्रमर गीत में, श्रीर्वधु साकमास्ते सतत मुरसि सौम्य, श्रीर्वधु साकमास्ते, अफसोस करते हैं यार, ये कभी कुछ मिलेंगे तो भी अकेले कैसे मिल सकते हैं भगवान श्री कृष्ण। वो महिला तो वहीं बैठी है, यानी क्या है, ईर्ष्या का प्रकटन करने के लिए शब्द ढूंढ रहे हैं सुखदेव जी। वहां क्या क्या शब्द है, सतत मुरसि सौम्य श्रीवधु साकमास्ते, ये श्रीवधु है ना, क्योंकि दो शब्द बोलने की क्या जरूरत है। और यह वो औरत है ना, ऐसा बोलते हैं ना, वो औरत वहां ही बैठी है, सदा के लिए वहां ही बैठी मिलती है, तो हमसे अकेले एकांत में बात करने के लिए नहीं मिलती है। ये अर्थ वहां प्रकट हुआ, इस श्लोक में भी प्रकट हो रहा है। देखिए बल्लभी जनों को इतना सौभाग्य नहीं मिला जितना सौभाग्य लक्ष्मी जी को मिला। चाहते तो एक हैं, मिला तो और एक को है, लक्ष्मी जी को मिला है, परंतु चाहते तो वल्लभी जन है। वो अगले जन लाइन में उसे स्पष्ट करते हैं, अभिलाष पदम व्रजांगना नाम, व्रजांगनाओं को वही स्थान बहुत अभिलाष का पद है, परंतु अभिलाष का ही पद है, प्राप्त नहीं किए हैं। व्रजांगना नाम अभिलाष पदम, और ऐसा जो अभिरूप्य है उनका, जो सौंदर्य है, अभिरूप्यम यानी क्या है, अभिरूपता, अभिरूपता का मतलब है बहुत सौंदर्य, सौंदर्य सुंदरता होना, सुंदरता के साथ रहना, वही अभिरूप्यम शब्द से कहते हैं। अभिलापक्रम दूरम, वो हम अपनी वाणी से बोलना असंभव है, जो उनके
वेद जिनका सौंदर्य को बोल नहीं सकता है, और हम जैसे लोग कैसे बोल दें, बड़े बड़े कवि भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कवि हो तो भी नहीं बोल सकते हैं। अभिलाप क्रम दूरम, अभिलापहा नामे भाषण करना, अभिलाप अभिलापहा आलापहा अभिलापहा लप लप आलपने ऐसा लप यानी भाषणे धातु, लप लप धातु उसमें वार्तालाप इत्यादि शब्द बनते हैं। और अभिलापहा वही अर्थ है आलापहा अभिलापहा। अभिलाप क्रम जो है अर्थात वार्ता वार्ता के क्रम अर्थात वाणी में निबद्ध कर सकते हैं क्या उस अभिरूपी को, उस सौंदर्य को, असंभव है। अभिलाप क्रम दवीयः, आज दवीयः शब्द का प्रयोग किए हैं तो उसी का इधर भी प्रयोग कर सकते हैं। अभिलाप क्रम दूरम और इसका अपोजिट शब्द है वो भी बताना था मुझे, सुबह सोच रहा था उसका मौका मिल गया। नेदीयः, नेदीयः यानी बहुत नजदीक में रहने वाला, नेदीयः नेदीयान का मतलब है बहुत नजदीक में रहने वाला, यह अर्थ में प्रयोग है। नेदीयां सम अमर्यादम पाहि माम वरद प्रभो, वहां नेदीयां सम ऐसा वरद वल्लभा स्तोत्र में प्रयोग है, याद है वरद वल्लभा स्तोत्र। नेदीयां सम अमर्यादम पाहि माम वरद प्रभो, वरदराज भगवान के बारे में लिखित और एक ग्रंथ और एक श्लोक स्तोत्र ग्रंथ है उसमें ये प्रयोग है। अमर्यादम पाहि माम वरद प्रभो, नेदीयां सम अमर्यादम पाहि माम वरद प्रभो ऐसा प्रयोग है। नेदीयां सह, नेदीयान यानी बहुत नजदीक में रहने वाला, दवीयान का अपोजिट दूर। अभिलाप क्रम दूरम, हम वाणी से बोल नहीं पाएंगे, ऐसा जो अभिरूपी है ऐसा अभिरूपी को मैं सदा के लिए देख रहा हूँ। अखिलान कालान अवलोकयामी, ध्यान में भगवान भक्तों के लिए कई विषयों को स्पष्ट कर देते हैं। भगवान की इच्छा अगर हो जाए किसी को रोक नहीं सकते हैं, भगवान को कौन रोक सकता है, ये मेरा भक्त है इसके लिए मैं मेरा यथा तत्व मेरा स्वरूप जो है उसको दिखा लूं। ऐसा अर्जुन के लिए जब दिखाए थे, वैसे कई लोगों को दिखाए हैं, कई भक्त लोग भगवान को साक्षात्कार किए पर बाद में फिर से तड़पते हैं और एक क्षण के लिए तड़ित यानी वो विद्युत जैसे आके चले जाते हैं। कई लोगों के ध्यान में विद्युत जैसा भगवान आके चले जाते हैं, बाद में तो उसी ध्यान ध्यान में याद में पूरा जीवन बिताते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव कई लोगों को हुआ है, ऐसे लोग बताते भी हैं बताए भी हैं। ऐसा वेदांत देशिक जी स्वयं कहते हैं व्रजांगना अभिलाषास्पद अभिलाष पदम व्रजांगना नाम, व्रजांगनाओं को ये अभिरूपी जो है मिला नहीं, अभिलाष का विषय था, अभिलाषा का विषय था और पसंद करते थे उनका अभिरूपी को, परंतु मिला तो किसको, लक्ष्मी जी को मिला। सदा के लिए लक्ष्मी जी उनके साथ सतत मुरसी सम श्रीवधु साकमास्ते, ऐसा भागवत जी कहती है अमर गीत। ऐसा ये सबका अनुभव करते हुए वेदांत देशिक जी ये श्लोक लिखते हैं। अखिलान अवलोकयामि कालान महिलाधीन भुजान्तरस्य यूनः अभिलाष, यूनः यानी युवा है, यूनः उस युवा का अभिरूप्यम अखिलान कालान अवलोकयामि, उस अभिरूप्य को मैं सदा के लिए अनुभव करता हूँ देख रहा हूँ। क्योंकि वेदांत देशिक जी तो देख ही सकते हैं ना, और उनको आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं, परंतु वहां जाकर करना होगा। यहाँ तो प्रकृति संबंध जब तक है तब तक परमात्मा का अनुभव पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, थोड़ा दर्शन हो सकता है, दर्शन हो सकता है तो पाना अलग है, परम साम्यापत्ति अलग है, भगवत स्वरूप का भगवान का साम्यापत्ति यानी स्वरूप साम्यापत्ति है, यानी भगवान का जिस प्रकार दिव्य मंगल विग्रह शंख चक्र आदि के साथ है उसी को मुक्त आत्मा प्राप्त करते हैं, शंख चक्र इत्यादि सब प्राप्त करते हैं। भगवान जिस प्रकार चार हाथ के साथ विराजमान, चतुर्भुजा के साथ विराजमान, ऐसे ये भी चतुर्भुज हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि रहता है इनके हाथ में भी, ऐसा स्वरूप को तो वहां प्राप्त करेंगे, यहाँ तो केवल उनको स्मरण कर रहे हैं और उनको अवलोकन कर रहे हैं। अखिलान अवलोकयामि कालान महिलाधीन भुजान्तरस्य यूनः अभिलाष पदम व्रजांगनानां अभिलाप क्रम दूरमाभिरूप्यम् हृदि मुग्ध शिखण्ड मण्डनः लिखितः केन ममैष शिल्पिनां
मदनातुरवल्लभ मदनातुरवल्लभांगना वदनांभोज दिवाकरो युवा। ये मेरे हृदयारविंद में कौन इस चित्र को लिखा है मालूम नहीं है, मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान है। कोई चित्र लिखता है का मतलब क्या है, वो स्थिर हो जाता है। वैसे मेरे हृदय में ये भगवान का ये सुंदर चित्र कैसे, कौन लिखा है, ये इतना स्थिर होकर मेरे हृदय में बैठ गया है ये चित्र। ऐसा एक चित्र का इधर उल्लेख करते हैं, वो भगवान का चित्र कैसा है उसका भी वर्णन इस श्लोक में उपलब्ध है। मुग्ध शिखंड मंडन, बहुत सुंदर जो शिखंड मंडन मोर पिंच से अलंकृत, केन शिल्पिना लिखिता, केन शिल्पिना मम येषः मम हृदय मम हृदय केन शिल्पिना लिखिता, कौन सा शिल्पी से लिखा गया है। मदनातुर वल्लवांगना वदनांबोज दिवाकर, वो कैसे दिखते हैं, वो उसका सुंदर वर्णन है। मदन मानमत विकारों से आतुर, मदन जो मदनातुर मदन पीड़ित, मदन पीड़ित जो स्त्रियां हैं वल्लभ गोपाल बालिकाएं हैं, मदनातुर वल्लवांगना उनके लिए उनका जो वदनांबोज दिवाकर, उनका वदन ही एक कमल समझ लो, उसको खिलाने के लिए सूर्य भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात जिससे आनंदित हो जाते हैं, जिससे पुलकित हो जाते हैं, तो वो इन महिलाओं का मुखारविंद है। मुखारविंद का एक सूर्य चाहिए, कभी भी अरविंद के लिए सूर्य चाहिए, ऐसे इन वदनों का एक ही दिवाकर है वो भगवान श्री कृष्ण। वो कृष्ण कैसे मेरे हृदय में कौन से शिल्पी से लिखित है मालूम नहीं है, इतना सुंदर है शिखंड मंडन और मोरपिंच के साथ विराजमान है। मोरपिंच अकेले भी चलेगा, अभी देखिए तीन बोले थे वहां, अभी तो एक ही मोरपिंच से भी भगवान समझ में आ जाते हैं जी। मदन हृदय मुग्ध शिखंड मंडन लिखित केन मम ईश शिल्पिना, मदन आतुर मदन आतुर जो वल्लवांगना, उनका वदन ही अंबोज है तो उसके लिए दिवाकर, मदनातुर वल्लवांगना वदनांबोज दिवाकरो युवा लिखिता केन मम ईश शिल्पिना हृदये हृदि केन शिल्पिना लिखिता, ऐसा प्रश्न करते हैं वेदांत देशिक जी। मेरे हृदय में से निकलते नहीं है, कोई ऐसा स्थिर लिख दिया है, परमानेंट लिख दिया है, कि क्योंकि शरीर में भी हम लोग लिख लेते हैं, शरीर में भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर स्वरूप को धारण कर लेते हैं लोग, और आजकल तो बहुत ही प्रसिद्ध है टैटू के नाम से, पहले जमाने में भी था, पहले जमाने में दूसरा नाम था उसका, अभी नाम अलग है टैटू नाम से। पहले तो पत्र पत्रांकन ऐसा शब्द से था, चित्रांकन चित्रांकन पत्रांकन इन शब्द इन शब्दों से बोला जाता था, वो लिखते थे हृदय में, सब अपने शरीर भर लिख सकते हैं, ऐसा पहले पद्धति थी, और उसका उल्लेख भी हम संस्कृत साहित्य में देखते हैं। अभी हृदयारविंद में भगवान परमानेंटली लिखना है तो हृदयारविंद में लिख देते हैं, जन्म जन्मांतर में वो अनुवृत्त होता है कि किसी जन्म में कोई लिखा होगा तो आज भी मेरे लिए हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत है, ऐसे भाव व्यक्त करते हुए हृदय मुग्ध शिखंड मंडन लिखिता केन मम ईश शिल्पिना मदनातुर वल्लवांगना वदनांबोज दिवाकरो युवा। वो युवा किससे लिखित है ऐसा आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और एक श्लोक कर लेंगे, और दो श्लोक करना। महसे महिताय मौलिना विनते नांजलि मंजनत्विषे कलयामि विमुग्ध वल्लवी वलयाभासित मेरुवे नवे कलयामि शब्द से कलयामि यानी मैं अंजलिं कलयामि एक प्रणाम करता हूँ। अंजलि परमा मुद्रा परमार्थ प्रसादिनी अम जलयतीति अंजलि ही अंजलि वैभवम करके एक रहस्य ग्रंथ स्वामी वेदांत देशिक जी से अनुग्रहित है। अंजलि का वैभव ही उसमें पूरा अंजलि वैभव ही है, और वो ग्रंथ लेकर पढ़ेंगे तो अंजलि का किताम जलयतीति अंजलि ही परम परमात्मा अनम जलयति पिघला देता है, और प्रत्यस्त्रम अंजलि रसौ तव निग्रहास्त्रे अब भगवान का निग्रह रूपी अस्त्र के सामने ये की प्रत्यस्त्र है तो हमारे पास वो अंजलि ही ऐसा प्रत्यस्त्र अंजलि रसौ तव निग्रहास्त्रे ऐसा वेदांत देशिक जी स्वयं कहते हैं, और अंजलि वैभव का ग्रंथ का भी उन्होंने उल्लेख किए हैं और स्वयं लिखे हैं।
ऐसा भगवान वेदांत दशिक जी अभी अंजलि कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक में, अभी तक स्मरण करते थे। और क्योंकि उनका एक अंजलि करने के पहले तो उनके हृदय में एक चित्र चाहिए, इसलिए चित्र को अभी हृदय में कोई लिखा है ऐसा उसको प्रकट कर दिए थे। अभी उस चित्र रूपी जो परमात्मा जो हृदय में विराजमान है उसको उनको अंजलि समर्पण कर रहे हैं, ऐसा भाव व्यक्त होता है। क्योंकि क्रम तो इतना सुंदर रखे हैं श्लोक में, हमें पता नहीं चल रहा है मूर्ख विजय राघवन तू क्या बोल रहे हो, इसमें एक क्रम है वो भी देखो ऐसा बोल रहे हैं शायद, मुझे ऐसा प्रतीति होती है कि कितना भी हम बोले तो मूर्ख ही रह जाएंगे, क्योंकि उसमें और भी कुछ भाव होगा तो हम बोल नहीं पाते सही बात है। महसे, क्योंकि हम हमें हमें तो इतना आनंद आता है कि जितना मिलता है उतने से ही इतना आनंद आ जाता है। हाँ, अल्प चीजों से सुखी हो जाते हैं, क्योंकि अत्यंत अगर पहले पहले बोला करते थे विजय राघवन को कोई छोटा मोटा चीज दे देगा तो भी विजय राघवन कर देगा, कि अभी इतना छोटा अर्थ जो मन में आता है उसी के लिए इतना आनंद आता है, तो बहुत ग्रंथों को पढ़ के बैठेंगे तो कितना अर्थ इसमें स्फुरित होगा, उसमें आनंद की कोई हमारी सीमा ही नहीं रहेगी, अपने शरीर धारण भी नहीं कर सकता है इतना आनंद को, ऐसा समझ में आता है। महसे महिताय मौलिना, देखिए कैसे कीदृश मौलिना अंजलि अंजलि समर्पण करना है तो साष्टांग प्रणाम करना है, साष्टांग प्रणाम करके खड़े होकर अंजलि समर्पण करना है, इसलिए मौलिना शब्द से वहां से शुरू करते। महिताय अंजनत्विषे, महिताय बहुत महित यानी सब लोगों से हाँ कितना श्रेष्ठ है ऐसा प्रशंसा करने लायक जो भगवान है। अंजनत्विषे, अंजन यानी काजल, काजल जेवा काजल जैसा जो भगवान ट्विट यानी तेजस, अंजन ट्विट तुषा शब्द तृतीय विभक्ति में है, अंजन तुषा और अंजन के समान तेजस से विमुग्ध वल्लवी वलया भाषित अंजुवेण वे, विमुग्ध वल्लवी जो सुंदर सुंदर गोप स्त्रियां है उनकी वलय आभाषित मंजु वेण वे, उनके वलय में जो आवाज आता है अपने वलय से ही संभाषण कर सकते हैं, और भगवान उसके लिए मंजु वेणु रखते हैं, सुंदर वेणु है इनका, वेणुनाद उनका जो वलय भाषित है दोनों का भाषण होता है अंदर अंदर, यानी उसे कैसे कहते हैं विमुग्ध वल्लवी वलया भाषित मंजु वेणु, भगवान के पास जितना सुंदर वेणु है मंजु वेणु, मंजु मंजु वेणु यस्य सा मंजु वेणु, भगवान स्वयं मंजु वेण वे चतुर्थी भक्ति है वो क्या करता है मंजु वेणु यानी वलयाभाषित विमुग्ध वल्लवी वलय के साथ आभाषण करने वाला वेणु, अर्थात भगवान ये क्या है कामुकों के बीच में अर्थात लवस के बीच में एक प्रकार के परिवर्तन संकेत संज्ञा और परिवर्तन विषय परिवर्तन इत्यादि होने के लिए वो कुछ न कुछ संज्ञाएं रखते हैं, और वे वलय को एक बार हिलाना है तो एक अर्थ है, दो बार हिलाना तो कुछ अर्थ है, बहुत बार हिलाना तो कुछ मतलब है, परंतु वो उससे बात करेंगे और भगवान अपने वेणा से वेणु से बात करेंगे, इन दोनों के बीच में ये चलता रहता है सदा के लिए चलता रहता है, गुप्त भाषा होती है, गुप्त भाषा होना ही लवस के लिए सौंदर्य है। इसे बड़े लोग गलत मत समझना, बड़े लोगों को ये समझ क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा क्यों कर, नहीं वो तो उनका स्वभाव है, लवस का स्वभाव है, अपने आवाजों से पता चलो एक दूसरे का अभिप्राय का आविष्कार कर लेते हैं। और वैसे इधर भी भगवान वेणु से बात करते हैं तो वे वलय भाषण से बात करते हैं, वलया भाषित मंजु वेण वे महसे, ऐसा जो तेजस पुंज है, क्योंकि भगवान का जो तेजस है वो कोटि सूर्य है, समप्रभा ऐसा विशेषण हम जो देते हैं वो मजाक के लिए नहीं दिया है या अथवा अत्यधिक प्रशंसा करने के लिए नहीं दिया है, सचमुच ऐसा है भगवान, क्योंकि हम भगवान का दर्शन अभी तक नहीं किए हैं ना, इसलिए हम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कोटि सूर्य समप्रभा यानी क्या है, क्योंकि दिव्यम ददामि ते चक्षुः, ऐसा दिव्य चक्षुष का प्रदान करेंगे अगर तब जाकर वो हो सकता है, ये आंख से तो हम लोगों को भगवान का सौंदर्य समझ में ही नहीं आने वाला, भले कितना भी सौंदर्य उनमें हो तो भी हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो दिव्य चक्षुष से देखने लायक है जो अर्जुन को मालूम है। महसे विनतेन मौलिना, इस प्रकार का जो तेजस है उसके लिए विनतेन मौलिना और नमन करते हुए मेरे सिर से
अंजलिम कलयामी, अंजलि प्रदान करता हूं और कुछ नहीं कर सकता, यानी तलैल्लाल कैमारिलेने, ऐसा तमिल भाषा में बोला जाता है, मेरा सिर के सिवाय और कुछ देने के लिए नहीं है, ऐसा नतमस्तक हो जाना, नतमस्तक हो जाना कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, ऐसा हाथ जोड़ देना कि मैं आपके सौंदर्य के प्रति मैं कैसे आभार रह सकता हूँ, इतना बड़ा सुंदर दर्शन है आपका हुआ है, मैं तो बहुत बड़ा भाग्यवान समझता हूँ खुद को, कौन लिखा है इतना सुंदर चित्र को मेरे हृदय में, और वो भी वलयाभाषित मंजु वेणु, जिनके पास वेणु है वो अचेतन तत्व भी चेतन जैसा व्यवहार करता है, भगवान के दिव्य आयुध इत्यादि का भी चैतन्य है, ऐसा रामानुजाचार्य अपने गद्य त्रय में कहते हैं, और वो अपने हिसाब से भगवान का स्वरूप के हिसाब से अपना स्वरूप बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, आभूषण और आयुध इत्यादि, ऐसा क्योंकि भगवान छोटे स्वरूप में जाएंगे तो इतने भी अपने अपने स्वरूप को छोटा बना लेंगे, और भगवान बहुत त्रिविक्रमा अवतार लेके जाएंगे तो तब आयुध सब भी इतना बड़ा हो जाएंगे, कि इसलिए भगवान के हिसाब से स्वरूप के हिसाब से स्वरूप बदलने वाले, उसमें वेणु भी ऐसी ही है, इसलिए और मंजु वेणु वे, सुंदर वेणु शब्द का कितना भी अर्थ हम कहेंगे तो शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके बिना, और शास्त्रीय मर्यादा में अंतर्गत होकर भी वर्णन करे तो बहुत वर्णन करना है, और क्योंकि उसमें चैतन्य है, और श्री वैकुंठ में भी चैतन्य है, कुछ लोग कहते हैं उसे अचेतन तत्व में गिनते हैं, तो कुछ लोग चेतन तत्व में गिनते हैं, और उसमें धर्मभूत ज्ञान का विकास, जिस प्रकार धर्मभूत ज्ञान का विकास है तो वैकुंठ में, वैकुंठ चाहे तो अपना स्वरूप को और बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, ये सब शक्तियां वैकुंठ में है, ऐसा वर्णन आता है, तो आयुधों भी है, आभूषणों को भी है, ऐसे आभूषण वाले हैं उनको सदा के लिए कलयामी, कलयामी यानी उनको मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ, कलयामी महसे महिताय मौलिना, कैसे महसे महिताय मौलिने, महसे मौलिना कलयामी विनतेन मौलिना विशेषेण नमन, विनत विनतहा यानी क्या है, विशेष रूप से नतमस्तक होकर जो प्रणाम करते हैं, और ऐसा प्रणाम करता हूँ, ऐसा इस श्लोक में उल्लेख करते हैं, सारे शब्द का प्रयास तो हो गया है समझाने का, और श्लोक पढ़ेंगे और सामूहिक अर्थ स्वयं आपको समझ में आ जाएगा, महसे महिताय मौलिना विनते अंजलि मञ्जनत्विषे अंजलिं कलयामि कलयामि विमुग्ध वल्लवी वलयाभाषित मञ्जु वेणवे जयति ललित वृत्तिं शिक्षितो वल्लवीनां शिथिलवलय सिंजाशीतलैर हस्ततालैः अखिल भुवन रक्षा गोपवेशस्य विष्णोः अधरमणि सुधायां वंशवान् वंशनालः। श्लोक थोड़ा बड़ा वृत्त है और छंदस भी बढ़िया है। जयति ललित वृत्तिं शिक्षितः वल्लवीनां, ललित वृत्तिं शिक्षितः वल्लवीनां, गोपस्त्रियों के लिए शिथिल वलय सिंजाशीतलैः, और उनके हाथ में जो पहने हैं वो आभूषण थोड़ा शिथिल है, शिथिल यानी क्या है, थोड़ा लूस है, एकदम टाइट नहीं है, ये लूस होने की वजह से भगवान का आलिंगन होगा तब संतुष्ट होकर वो बड़ा हो जाएगा। एक कवि वर्णन करते हैं, लक्ष्मी जी का वर्णन करते हैं, लक्ष्मी जी के सहेलियां भगवान की शादी विवाह होने के बाद पहला दिन रात उनको अंदर छोड़कर बाहर बैठे हैं, बाहर बैठने का उद्देश्य यही था कि वलय का आवाज आएगा, उसके हिसाब से हम कुछ न कुछ तो समझ लेंगे लक्ष्मी जी क्या कर रही है, कैसे व्यवहार कर रही है भगवान से, ऐसा सोचकर सहेलियां बाहर ही बैठे हैं, और वस्तुतः क्या हुआ, इनको एक बार भी आवाज नहीं आया। क्यों आवाज नहीं आया उसका कारण बता रहे हैं, लक्ष्मी जी फूल गई, लक्ष्मी जी संतोष की वजह से पहले आलिंगन में ही बहुत मोटी हो गई, यानी बहुत संतोष हो गया, तो वलय सब टाइट हो गए हैं तो एक भी आवाज बाहर नहीं निकला, तो ये सब बहुत बेचारे वहां खड़े हैं, कुछ आवाज नहीं सुन पाए, ऐसा वर्णन करते हैं ऐसा ये तो ऐसा नहीं है, थोड़ा वलय लूज है और शिथिल वलय है, शिंजा शीतल ही, उसमें से जो आवाज आता है उसे शिंजितम कहते हैं, वलया नाम शिंजितम, शिंग 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 ऐसा शब्द जो आता है उसे शिंजितम शब्द से कहते हैं, और पादुका शास्त्र में भी ये सिंजितम शब्द का उल्लेख है।
शिंचा शीतलई ही, वो कैसा है वो आवाज सुनने के लिए बहुत आनंददायी होने की वजह से उसे शीतल शब्द से भी कहते, शीतलई ही हस्तताली ही। और सातों क्यों ऐसा आवाज आ रहा है, हाथ में ताल लगा रहे, हाथ में ताल ताल डालने की वजह से, आदि ताल हो या कोई भी ताल है उसे करने की वजह से वलयों का आवाज आता है। हलया वलय शिंजा शीतलई ही हस्तताली, किनका, वल्लवी नाम शिथिल वलय शिंजा शीतलई ही हस्तताली ही ललित वृत्ति शिक्षिता, भगवान ने एक चीज उनसे सीख ली। भगवान सिखाते तो बहुत कुछ हैं, परंतु भगवान भी कुछ सीखते हैं। नृत्य कहाँ से सीखे हैं भगवान, नृत्य गोपाल उनसे ही सीखे हैं, क्योंकि उनका वलय का आवाज की वजह से जो साउंड आता है उसके हिसाब से नर्तन करना शुरू कर दिए। सो उसे इधर वर्णन करते हैं, सिंचा शीतलई ही हस्तताली ही ललित वृत्ति शिक्षिता अखिल भुवन रक्षा गोपवेशस्य विष्णुः, संपूर्ण दुनिया में रहने वाले सब लोगों को रक्षण करने के लिए गोपवेश में आए हुए इस भगवान के लिए अधरमणि सुधायाम अंशवान। अधरमणि, मैं पहले ही कहा था, अधर पल्लव में जो है वो भी एक रक्त वर्ण का मणि जैसा ही है, रेड स्टोन है वो। और अधरमणि सुधायाम, और वो अधरमणि ही एक अमृत है, एक अधरमणि को अभी अमृत के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि गोप स्त्रियों को ही मालूम है, और अधरमणि जो है वो साधारण सामान्य अधरमणि नहीं है, और वो भगवान स्वयं नीलमणि है, उसमें अधरमणि है, उस अधरमणि को अमृत के समान तुलना करते हैं वेदांत देशिक जी। अधरमणि सुधायाम अंशवान, एक अंश है, एक अंशवान, अपना अंश थोड़ा सा वहां लगता है ना, अंशवान वंशनाळहा, वंश वंशनाळहा का मतलब वंशी है, वंशी वहां टच करती है, वंशनाळहा जयति, वो सदा के लिए जय पाता है। कि वस्तुतः वंशी वंशी, ये वंशी शब्द का प्रयोग इतना ज्यादा हो गया है, नाम भी वंशी रखते हैं आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वंशी नाम इतना सहज है, वंशी कृष्ण, ये वंशी कृष्ण का नाम तो आप आंध्र प्रदेश में बहुत सुन सकते हैं। और वंशी विभूषित करा नवनीर दाबात, ऐसा श्लोक, अधर बिंब फलाधरोष्टात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, ऐसा बोलना पड़ा, यद्यपि वो शैव हैं, शैव होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण का कृष्ण के साथ उनका प्रेम है तो बता रहे हैं। वल्लवी नाम शिथिल वलय सिंजा शीतलई ही हस्तताली ही ललित वृत्ति शिक्षिता अखिल भुवन रक्षा गोपवेशस्य विष्णोः अधरमणि सुधायाम अंशवान वंशनाळ। यानी ये ललित वृत्ति कहाँ से वंशी को शिक्षित है, वंशी कहाँ से सीखा है, तो वल्लवी नाम शिथिल वलय सिंजा शीतलई हस्तताली शिक्षिता वंशनाळ जयति, ऐसा वंशी जो है वो जय पाता है। क्यों वंशी को इतना वर्णन करते हैं, तो भगवान अपने वंशी के द्वारा ही दुनिया को बहुत आकर्षित कर लेते हैं, स्वयं अपने स्वरूप से भी तो आकर्षित करते ही हैं, परंतु आवाज से, उस मधुर आवाज से, मनमोहक आवाज से, सब चेतन अचेतन, ये इवन पक्षी पशु मृग इत्यादियों को भी अट्रैक्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए वंशी के लिए इतना प्राधान्य दिया है। श्लोक को फिर से एक बार पढ़ लेंगे, जय तिलित वृत्ति शिक्षितो वल्लवीना शिथिल वलय सिंजा शीतलैर्हस्तताळैहि अखिल भुवन रक्षा गोपवेशस्य विष्णोरधरमणि सुधायाम वंशनाळहाम कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।